हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिल्क केक, जो कि मैंने आज घी निकाला था। तो जो उसकी मलाई का दूध निकला, उससे मैंने पनीर बनाया है। उस पनीर सिर्फ ये दो चीजों से बन जाएगा। उस पनीर को हम क्रश कर लेंगे, 200 ग्राम के करीब पनीर है, और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पनीर को हमने इस तरीके से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। मैंने ये कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे इस पनीर को। ये लगभग 150 से 200 ग्राम के बीच पनीर है। और अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, जो मैंने मेरा होममेड है और मैंने बना के रखा हुआ था। ये भी 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है। अब हम इसे चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। ये बहुत फटाफट बनने वाला कलाकंद है, मिल्क केक कहें, कलाकंद कहें। अब हम इसे गाढ़ा होने तक इसी तरह से हिलाएंगे। देखिए, ये हमारे गोली बनाने से बन जम रहा है, तो अभी जमने की उस तक पहुंच गया। अब हम इसे एक कंटेनर में घी लगाकर जमा देंगे। ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें हम इस मिल्क केक को जमा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने जमा दिया है। और इसको अब जमाने, जब ये अभी 1 घंटे बाद जम जाएगा, सेट हो जाएगा, तब मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग देते रहिए। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाऊंगी। देखिए, हमारा इतना अच्छा मिल्क केक बन के तैयार है, और वो भी मलाई के बचे हुए दूध से, जिससे हमने मक्खन निकाला और घी बनाया, और उसका जो बचा दूध था उससे हमने पनीर निकाला। उस पनीर से बना हुआ ये मिल्क केक है। और मैं हमेशा ऐसी रेसिपी दिखाती हूँ। पहले भी मैंने चंद्रकला इसी घी के निकले हुए खोए से बनाई थी, और स्पंजी रसगुल्ले इसी के बने हुए पनीर से निकाल बनाई थी, दूध जो कि मलाई में से बचता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मिल्क केक हमारा जम के तैयार हुआ है। एक बार बनाना बनता है, बनाइए, बताइए कमेंट करके कि कैसा बना आपका, और कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल फ्लेवर बाय राशि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे जी, धन्यवाद।